हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। जो कि मैं आप टॉपिक लेके आया हूँ अरावली की प्रमुख दर्राएं, जो कि आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। और बस पसंद आए तो लाइक पे शेयर जरूर कर दें। और चलो देखिए मैं आपको कैसे क्लास में याद करवाता हूँ प्रमुख दर्राएं। पहली आती है बराबर बेरिया दर्रा। कौन सी है बराबर बेरिया दर्रा? दूसरी है हत्तीपट्टा, तीसरी है सिर्फ घाट दर्रा, चौथी है सूराघाट दर्रा। ये सारी सारी कहाँ है? ब्यावर अजमेर के अंदर ही है। कहाँ है? ब्यावर अजमेर के अंदर ही है। देखिए इसको ट्रिक से अपने कैसे याद करते हैं, चलो देखते हैं। एक बार मैं हाथी पर बैठ के कहाँ जा रहा था? शिव मंदिर जा रहा था। एक बार मैं हाथी पर बैठकर शिव मंदिर जा रहा था तो मैंने क्या देखा? सूरदेव का ब्याह देखा था। ये मेरी कहानी थी छोटी सी, आप इसको समझिए कैसे याद होगा। एक बार बार से क्या होगा? बराबर या दर्रा होगी। इस पर बैठ के जा रहा था, हाथी पर बैठ के जा रहा था, हाथी पट्टा दर्रा होगी। कहाँ जा रहा था? शिव मंदिर जा रहा था। शिव घाट दर्रा होगी। कौन सी होगी? शिव घाट दर्रा होगी। तो मैंने क्या देखा था? सूरसूरनी का ब्याह देखा था। ब्याह से ब्याह बोलते थे शादी, तो सूराघाट होगी। सूराघाट दर्रा कहाँ है? ब्यावर अजमेर में। ब्याह से ब्यावर अजमेर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलिए जसूरी की नाल और बर दर्रा। जसूरी की नाल और बर दर्रा ये कहाँ है? पाली के अंदर है। कहाँ है? पाली के अंदर है। जब पालिया बर मना, पाली को मैं बोलता हूँ पालिया, पालिया जब बर मना तो उसकी वाइफ कैसी थी? बेसुनी थी। जसूरी में की बेसुनी थी। क्या थी? बेसुनी थी। तो अब जसूरी की नाल और बर दर्रा कहाँ है? पाली के अंदर है। आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा कि पालिया जब बर मना तो उसकी पत्नी कैसी थी? बेसुनी थी। कौन सी थी? बेसुनी थी। नेक्स्ट आता है कैप्सूल का दर्रा। कौन सा आगे? कैप्सूल का दर्रा कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। तो मैं कैप्सूल को बोलता हूँ कैप्सूल। क्या बोलता हूँ? कैप्सूल। स्वाई माधव भगवान जी क्या करते हैं? कैप्सूल खाते हैं। माधव भगवान जी क्या करते हैं? कैप्सूल खाते हैं। नेक्स्ट चलिए केलवा की नाल और देवारी की नाल और फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल और संगमेश्वर की नाल, ये सारे सारे उदयपुर में है। ये तो बहुत बार पूछ चुका है कि फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है, फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है। चलो इनको मैं याद करवाता हूँ आपको, छोटी सी कहानी है, बने रहिए मेरे साथ। सूर्य उदय होते ही उदयपुर। ठीक है, सूर्य उदय होते ही जब मैं उठा तो मैंने नाश्ता किया। नाश्ता होता कलेवा। क्या किया मैंने? कलेवा किया, थोड़ा सा कलेवा किया। फिर मैंने देवताओं को चढ़ाने के लिए फूल लाने के लिए गया। फूल लाने गया तो वहां मुझे क्या मिला? केकड़ा मिला। केकड़ा फूल पर बैठा रहा, नहीं तोड़ने दूंगा मैं, वैसा मुझे चाहिए। मैंने कहा तू मुझे खाना मत, मैं तेरे लिए सोमवार के व्रत रख लूंगा। क्या कर लूंगा? सोमवार के व्रत रख लूंगा। तो मैंने सूर्य उदय होते ही उदयपुर हो गया। क्या किया? कलेवा किया, मतलब नाश्ता किया। फिर मैं चला देवताओं के लिए फूल लाने के लिए। देव से दीवारी की नाल होगी, देवताओं के लिए क्या होगी? दीवारी की नाल। क्या लेने गया? फूल। तो फूलवारी की नाल होगी। कौन मिला था? केकड़ा मिला था। केकड़ा जी इसको मिला केवड़ा की नाल। क्या होगी? केवड़ा की नाल। तो मैंने उसे कहा था मुझे खाना मत, मैं तेरे लिए क्या करूंगा? सोमवार के व्रत रखूंगा। सोमवार का मतलब क्या होगा? सोमेश्वर की नाल। ये कहाँ है? सारे सारे उदयपुर में है। नेक्स्ट करता है अपना रामगढ़ दर्रा, कटकट की दर्रा, लाखेरी दर्रा और चेतावास की दर्रा। ये सारी सारी दोस्तों बूंदी के अंदर है। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए कैसे है। सही, भगवान रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे तो उन्होंने घर आते अपने क्या किया? दरवाजा खटखटाया। क्या किया? दरवाजा खटखटाया। तो घर वालों ने देखते ही बड़े खुश हुए और क्या किया? लाखों रुपए की बूंदी बांट दी। क्या किया? लाखों रुपए की बूंदी बांट दी। और उन्होंने घर वालों को कहा हमें तुम्हें देखते हमें चेता सा हो गया। ठीक है, तो अब भगवान राम रामगढ़ दर्रा होगी। ठीक है, क्या किया उन्होंने? दरवाजा खटखटवाया। क्या किया? दरवाजा खटखटाया। तो उन्होंने घर वालों को खोला, खोलते बड़ी खुशी के साथ लाखेरी से लाख रुपए की, मतलब लाख रुपए लाखेरी दर्रा होगी। क्या किया? बूंदी बांट दी। क्या किया? बूंदी बांट दी। तो फिर क्या होगा? भगवान मतलब घर वाले बोले कि भगवान राम को देख के हमें तो चेता सा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी अरावली की प्रमुख दर्राएं, जो कि ट्रिक के साथ थी। आपको पसंद आई तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।